Unites.com, redefining Bollywood. Very revered award. I'm here because Mr. Raj Naik wanted me here, and I'm here. Apparently, our shows have been nominated a lot. So let's see what happens. Thank you so much. बहुत धन्यवाद आपको. थैंक यू. कितना स्पेशल है ये जैसे कि मैंने अभी कहा था अंदर जाने से पहले कि
ये जनता की ओर से जो वोट पड़ा है उसकी वजह से ये पुरस्कार मुझे दिया गया है, और हम सब जनता के लिए ही काम करते हैं, उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं, और उनकी तरफ से यदि हमारे बारे में कुछ सोच हो तो मैं ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। धन्यवाद सर। जनता के बीच एक और चर्चा में बात है सत्याग्रह की, आप अन्ना हजारे से मिलने वाले हैं। अरे उसकी चर्चा आप बाद में करेंगे जब शुरू होगा। मैम आपको एजलेस ब्यूटी अवार्ड मिला, क्या चाहेंगी? बहुत ही खुशी हो रही है। मैं जब आई थी तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे भी कुछ अवार्ड मिलने वाला है, बट इट्स नाइस, इट्स लवली टू गेट दिस एजलेस ब्यूटी, सो आई हैव टू मेंटेन दिस नाउ टिल आई लिव, इजंट इट? इट्स अ वेरी टफ जॉब फॉर मी। कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे ताकि ये अवार्ड बाकियों को भी आगे चल के मिल सके? ये अवार्ड जरूर रखना चाहिए, सभी जितने भी आगे आने वाले हीरोइंस हैं जो 60 तक पहुंचने वाले हैं उन सबके लिए खास रखकर ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि दैट्स हाउ दे कैन मेंटेन देमसेल्फ। आई मीन इफ एट ऑल आई एम डूइंग समथिंग गुड इट इज बिकॉज ऑफ माय डांस। मैम आपको ये अवार्ड किसी एक्ट्रेस को देना हो तो किसे देना चाहेंगे? आई विल गिव इट टू रेखा, मे बी आई विल कॉल हर टुमारो एंड आई विल गिव हर। थैंक यू सो मच। अरे बैठो मैम, लुक योर सेंटर, मैम लुक टू कैम्प। सुन लो, बहुत काफी किया है मैंने, आपको पता है, मैं एक मिनट सुन लेना। मेरा परफॉर्मेंस आज मेरे लिए बहुत खास था, लेकिन ये पिछले दो दिन में ही प्रिपेयर करना पड़ा हमें। मैं बर्फी पे एक एक्ट करने वाली थी, लेकिन श्री यश चोपड़ा के जाने के बाद मुझसे कहा गया अगर मैं ये श्रद्धांजलि करना चाहूंगी, और मेरे लिए एक तरीका था उनकी फिल्मों में स्टार करने का, क्योंकि मैंने कभी यश जी के डायरेक्शन के तले काम नहीं किया है, तो मैंने अपने फेवरेट गाने चूज किए और उनकी जिंदगी को 10-12 मिनट के अंदर डालने की कोशिश की है, जो बहुत कम है, तो गुस्ताखी माफ अगर कुछ गलत हुआ तो। प्रियंका, पीपल्स चॉइस अवार्ड है जो पहली बार ऐसा फॉर्मेट आया है इंडिया में, तो व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस आई थिंक पीपल्स चॉइस अवार्ड का यूएस वर्जन मैंने काफी सालों से देखते आए हैं हम लोग, एंड आई एम ग्लैड दैट द अवार्ड्स हैव कम टू इंडिया। दीज आर फॉर द पीपल, बाय द पीपल, अबाउट द पीपल। आप वोट करते हैं और आप अवार्ड्स देते हैं, आपकी वोटिंग से कैटेगरीज बनती हैं, सो इट विल बी रियली ग्रेट। यहाँ ये साल बड़ा इन टाइमिंग थोड़ी सी, इट्स द फर्स्ट अवार्ड ऑफ द सीजन, लेकिन अगस्त में जाके खत्म हो जाता है, सो बट इट्स वेरी कूल। I'm very excited to see who all are going to win. प्रियंका, बॉलीवुड के लिए बात की जाए तो साल काफी खराब है, और जैसे कि सुना है कि आप यश जी मिलना चाहते थे आपसे डेथ से पहले, माइक ऊपर खबर आई थी, आप मिलना चाहती थी उनसे, जाना चाहती थी, पर आप मिल नहीं पाए। सवाल क्या है? सवाल ये कि साल बहुत खराब रहा है, इस साल बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो नहीं रहे हमारे बीच में, पहला तो सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये कि खबर आई थी कि यश जी मिलना चाहते थे और आप नहीं जा पाए। जी हाँ, ये साल फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव रहा है, मैं कहूँगी ऐसे बहुत लॉसेस हुए हैं, लेकिन आई गेस ज़्यादा कुछ कहने के सिवा कुछ ये कह सकते हैं कि फिल्म ऐसी चीज़ होती है, सेल्यूलॉइड ऐसी चीज़ होती है जो जिंदगी भर ही नहीं सदियों तक आपको जिंदा रखती है, तो जितने भी लोग इस साल गए हैं, उम्दा लोग, बहुत बड़े दिग्गज लोग जो इस फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही अहम हिस्सा थे, वो हमेशा के लिए उनकी फिल्मों के जरिए से और उनके काम के जरिए से जिंदा रहेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक यश जी
जी हाँ, वो मेरे को फोन करते रहते थे कभी कभी, और बस 10-15 दिन पहले उनका फोन आया था मुझे मेरा गाना सुनने के बाद एक्चुअली, कि तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ है, बताया नहीं ये वो, चलो कब आ रही हो यशराज, क्योंकि मैं हमेशा यशराज जाती रहती हूँ, हमारी शूटिंग होती है, कोई एड शूट होता है या कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो पूछ रहे थे कि मैं कब आ रही हूँ। मैं जाने वाली थी अगले 2-3 दिन में, लेकिन मेरा काम ऐसा पड़ गया कि मैं नहीं जा पाई, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिग्रेट रहेगा। मेरी आवाज़ मैं अपनी एल्बम को प्रमोट करने के लिए क्लब हॉपिंग जा रही थी, क्लबिंग इज नॉट गुड फॉर यू, चिल्ला चिल्ला के मेरी आवाज़ चली गई। प्रियंका, शूट आउट एट वडाला में आप स्पेशल अपीयरेंस भी दे रहे हैं, उसके बारे में प्लीज बताइए। जी नहीं, अभी तक मैं किसी फिल्म में कोई भी गाना नहीं कर रही हूँ अपनी फिल्मों के सिवा। अच्छा, इस अवार्ड फंक्शन में सबने जो सेंटर पॉइंट का जो सबका था, करीना शादी के बाद फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने वाली है, क्या आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी, आप कैसे? नहीं, मैं मिस कर गई करीना की परफॉर्मेंस, लेकिन मेरी मुलाकात हुई थी उनकी बैक स्टेज, लेकिन उनका पहला परफॉर्मेंस, अब करीना तो करीना ही रहेंगी ना, जितनी अच्छी परफॉर्मर है वो हमेशा उतनी ही अच्छी रहेंगी, और उनका एक्ट मुझसे पहले था तो मैं देख नहीं पाई। एकता को तो सारे अवार्ड मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, जिस तरह की फिल्में वो बनाती हैं, शी इज अ इंस्टीट्यूशन इन हरसेल्फ। एंड जी हाँ, मेरी पहली फिल्म है एकता के साथ मिलन टॉकीज, अभी हम लोग डेट्स वर्कआउट कर रहे हैं, होपफुली इट विल बी फन। इमरान खान के साथ पहली बार देखेंगे, इमरान खान के साथ पहली बार देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसी हो रही है स्क्रिप्टिंग एंड व्हाट ऑल आर द प्रिपरेशन? वेल, अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट मिलन टॉकीज अभी तक। Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.